देखिए, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल स्टॉक। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे फिजिकल स्टॉक क्या होता है। तो ये देखिए, हमारे पास एक डाटा खुला हुआ है जिसमें मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल स्टॉक का मतलब होता है कि हमें पता करना है कि हमारे सिस्टम में क्या स्टॉक है और हमारे गोडाउन में क्या स्टॉक पड़ा। जैसे मैं ओल्ड प्लस आई करता हूँ, मैंने यहाँ ओल्ड प्लस आई डाला और उस आइटम का नाम डाल दिया। मेरे पास सपोज ये आइटम है, कितना स्टॉक पड़ा मेरे पास इसका 10। ये मेरे कंप्यूटराइज स्टॉक है, कितना ही मेरा ये मेरा कंप्यूटराइज स्टॉक है 10 पीस। अब मुझे ये करना है कि लेकिन जब मैंने चेक करा तो वहाँ पता चला मेरे पास 12 पीस है। कितनी है? 12 पीस है। अब सर ने कहा इसको 12 कर दो। तो आप लोग अगर करने जाओ तो कैसे करोगे इसको 12? ओपनिंग में डलेगा नहीं, क्योंकि अगर कंपनी कैरी फॉरवर्ड हो जाती तो ओपनिंग बैलेंस चेंज नहीं होता। इस समय कंपनी कैरी फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड जब समझ रहा है पुराने ईयर से एक नए ईयर में आ गई, तो जो उसका क्लोजिंग था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओपनिंग में। तो वो चेंज ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि चेंज करना तो पीछे जाना पड़ेगा। चेंज करना पड़ता है, वो चेंज यहाँ से होता है। यहाँ जाओगे ना नीचे, यहाँ गए तो आप किस में आ जाओगे? नए ईयर में आ जाओगे। आपका जो भी क्लोजिंग होगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ओपनिंग में। ये आप सभी को 31/3/2016 को 1 अप्रैल को सब करना पड़ेगा आप लोगों को भी। जब कंपनी बंद हो जाएगी, जब नए ईयर में जाना, तो यहाँ के इस पे स्टार्ट पे क्लिक करके अपनी कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कहीं भी काम करोगे तो सबसे पहले बैकअप आपके पास रहना ही चाहिए, कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले। तो भाई जो हमारा पुराना डाटा है वो हम किस में देख पाएंगे फिर? इस ईयर में आके दोबारा पुराने ईयर में दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। मैसेज आया है, बीजी अकाउंटिंग कोर्स कीजिए 15। वेबसाइट है gagan@gmail.com, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए बात करिए। कोई नहीं आया, और बीजी से ही आया है क्योंकि ये जो उसका पोर्टल है ना ये बीजी का है। आई एम बिजी। कल कल आएगा सुबह मैसेज।
बता दें, मैं भी सबको कर देता हूँ अपना। हो गया। अब देखो, मैं ऑल टाई करा, उस आइटम का नाम डाला। अब इसका स्टॉक मुझे कितना करना है, 12 करना है। अब फैज ने कहा था कि सर इसको ओल्ड प्लस एम करो और यहाँ से जाके चेंज कर दो ओपनिंग स्टॉक। क्यों सोच रहे हो, क्या चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, प्रीवियस ईयर में जाना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम क्या मारते हैं, फिजिकल स्टॉक। कि स्टॉक को कम करना, ज़्यादा करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फिजिकल स्टॉक। तो फिजिकल स्टॉक में आएंगे ऐड। कब कम करना है बैलेंस, तो यहाँ पर जाएंगे, दो तीन डाल देता हूँ, देन डेट लेगा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ सकते हो। देन माल कहाँ पर बढ़ाना है, मैंने बोला मेन स्टोर पे। देन उसके बाद एरो से नीचे आइए, आइटम का नाम डालिए, कितनी स्टॉक में हमारे पास 10 पीस, करनी कितनी है 12, तो कितना प्लस करना है 2 पीस। देन F2 कीजिए एंड देन देखिए आपके स्टॉक में अपने आप ऑटोमेटिक कितनी हो जाएंगी, 12। ऑल टाई एंटर देन F2। अब जैसे इंटर मारोगे तो ये बताएगा कि इसने क्या करा, इसने स्टॉक जनरल की मदद ली है, आइटम को यहाँ पर जाके 2 पीस को बढ़ा दिया है। आप अगर फिजिकल स्टॉक नहीं मारना चाहते तो आप जाओ स्टॉक जनरल में, आइटम जनरेट यहाँ से कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो फिजिकल स्टॉक इसलिए होता है, आइटम को बढ़ाने और कम करने के लिए होता है। अब ये बढ़ाना हो तो ऊपर, घटाना तो नीचे। हाँ, कंज्यूम मतलब खत्म करना होता है, जनरेट मतलब बढ़ाना। अब किसी ने बोला कि सर मुझे अगर पुराने ईयर का डाटा देखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा चेंज फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अभी आप कौन से फाइनेंशियल ईयर में खड़े हो इस समय, 1/4/2017 में। आप जैसे इंटर मारोगे तो आप किस में चले जाओगे, 16 में। तो अब आपका आपको क्या दिखाई देगा, 17 दिखाई देगा। नीचे मत आ जाना वरना 18 में आ जाओगे आप। ठीक है, तो ये होता है, समझ में आया फिजिकल स्टॉक क्या काम करता है, स्टॉक को कम करने और स्टॉक को घटाने और बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। आगे समझ में और कुछ पूछना है, मेन स्टोर।